नमोनिया से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। पंजाब में मजीद 3 बच्चे जां बहक। सूबे भर में 290 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 110 केसेस सामने आए। चिल्ड्रन अस्पताल में नमोनिया के 50 से जायद बच्चे जरेलाल। जिनाज सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल में भी बच्चों का रश। मरकज में किसकी होगी सरकार? सियासी जमातों का फॉर्मूला तैयार। इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाले जमात का 3 साल के लिए वजीर आजम होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम बनेगा। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत कर दी। MQM समेत दूसरे रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फॉर्मूले पर हतमी फैसला होगा। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात और मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात मुतवक्के। इलेक्शन में नाकामी। जहांगीर तरीन का IPP की चेयरमैनशिप और सियासत छोड़ने का ऐलान। जहांगीर तरीन का इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया। मुखालिफिन को मुबारकबाद। IPP के दीगर अरकान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं कि जाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के अहदे से मुस्ताफी। कहते हैं कि इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। बतौर अमीर जमात इस्लामी इंतखाबात में कामयाबी हासिल न कर सका। जमात इस्लामी के कारकुनों ने दिन रात इलेक्शन में काम किया। जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने मजलिस शुरा का अजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से 7-9 मुंतखब। अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। मरियम नवाज ने आजाद अरकान को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। कहती हैं कि आपका एतमाद अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। आजाद अरकान असेंबली का नवाज शरीफ की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इलेक्शन के बाद बनने वाली नई कौमी असेंबली का पहला इजलास 29 फरवरी को होने का इम्कान। आईन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के बाद 21 रोज के अंदर नई असेंबली का इजलास होगा। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। इलेक्शन के बाद 14 रोज के अंदर 9 मुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद 60 खवातीन और 10 अकलियती सीटें मिलेंगी। आजाद अरकान को 3 रोज के अंदर किसी पार्टी में शमूलियत का वक्त मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने 18 हलकों के इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। मरियम नवाज, आता तारण, ओम चौधरी, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ के इंतखाबी नतायज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। जस्टिस अली बाकर नचवी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। और सानिहा नौबई जैसा वाकया दोहराने की प्लानिंग हो रही है। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला वफाकी हुकूमत का था। इलेक्शन नतीजे पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रजू करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू।